तुम यार गांव के जाहिल जवान हो, क्या जानोगे लैंग्वेज क्या होती है? खेती किसानी करो या फिर गोबर फेंको। समझे राजू, ये बार बार मत बोल यार। भले ही हम किसान है, किसानों की इज्जत भले नहीं होती राजू, लेकिन अगर हम किसान भारत माँ का सीना चीर कर अगर उससे अन्न का उत्पादन ना करे ना, तो एक तरह से सूट है ना, चार दिन में नीचे आ जाएगा राजू। अच्छा, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। उबालने से क्या होता है पानी को? उबालने से इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। लो, ये है पढ़े लिखे अनपढ़, हमको तुम ही बताओ, जब पानी को उबालेंगे बैक्टीरिया तो मर जाएंगे लेकिन पानी तो पनीर में आ जाएगा। उसको क्या पता यार, माता पिता और बड़े हमारे भगवान होते हैं। जब हम आदत से उनके चरणों का स्पर्श करते हैं ना, और फिर जब ऐसे बात पर सहलाते हैं सर को ना, राजू लगता है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल रही यार। जितने भी सिकड़े उकड़े होते हैं ना, सब आशीर्वाद के रूप में निकलते हैं राजू। तुम्हें क्या बताओ, बात सहलाते हैं या बिगाड़ देते हैं? तुमने मेरे बिगाड़ दिए। क्या बात करते हो यार, इतने दिन से तुम मेरे साथ क्या सीखा सकते मेरे साथ रहते? अगर तुम कोई गधा भी होता तो सीख गया होता। अरे तुमने नहीं सुना है, जिसके पास होगी कार्बाइन वही करेगा फाइट। आजकल के चुनाव में जिसके पास कार्बाइन ना हो वो नेता नेता नहीं होता है। आजकल का नेता वो होता है जिसके पास दो चार दर्जन मुकदमे, 17-18 लग्जरी गाड़ियां और कम से कम दर्जन दो दर्जन फसल है, वही नेता होता है। अरे मैंगो मतलब होता है।
दुकान में क्या रखा है। देखो जहाँ जाता है वही वहीं से दो चार तमाचे खा कर चला आता है। अब अगर ऐसे लोग नेतागिरी में आ जाएंगे तो हम जैसे नेताओं का क्या होगा। नेतागिरी में औकात कायम रहना चाहिए। अरे हो गया। अरे अच्छा ठीक है, ये बताइए चलो आप चुनाव जीतेंगे तब लोकसभा का तो आप अपने समाज के विकास के लिए अपने देश के विकास के लिए क्या करेंगे। अरे सोचे तो हम बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करें तब हमने सोचा है पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को 50-150 cc दिलाएंगे, लड़कियों को मोपेड 125 cc दिलाएंगे, जो गाँव में बिना पढ़े लिखे अनपढ़ है उनको दुधारू भैंस दिलाएंगे। तेरी दीवार तेरी छत पे हिला सकते हैं, जीत पे।
बड़े दोस्तों, ये करते हैं महंगाई की बात, और हम तो ये कहते हैं महंगाई हमें 4 करोड़।